हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉक्सी बाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा और एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे प्रॉक्सी बाई करने के लिए पेमेंट किए हैं, तो उनका मैं उनका $5 का प्रॉक्सी बाई करनी है, तो मैं उनका $5 का प्रॉक्सी बाई करके दिखाता हूँ वो भी लाइव, आपको किस तरह से आपको प्रॉक्सी बाई करनी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉक्सी। हम लोग एक्चुअली ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉक्सी क्या करते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉक्सी से गाइस आप लोग सीपीएम वर्क कर सकते हैं, फेक साइन अप कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप लोग मतलब फॉरेन कंट्रीज का जो भी टियर वन कंट्रीज है या फिर जो भी मतलब अच्छे अच्छे हाई सीपीसी कंट्रीज है उनका प्रॉक्सी मिल जाता है। उससे हम क्या होता है उसमें क्लिक लेके हम लोग डॉलर बना सकते हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल में डॉलर वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आप लोग को दिखाता हूँ मैं किस तरह से आपको प्रॉक्सी बाई करनी है, ठीक है। तो मैं मेरा जो क्लाइंट है उनका यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, उनका उनका जो यूजर नेम एंड आईडी है वो देके मैं लॉगिन कर लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं है, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है तो आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड, फिर कैप्चा फिल करना पड़ेगा और इसमें टिक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी उसमें अकाउंट है तो मैं साइन इन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लॉग यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से दे देता हूँ, ये एक मेरा क्लाइंट का ही है, फिर मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया हूं। फिर मैं ह्यूमन वेरिफिकेशन में क्लिक करता हूँ, वेरिफिकेशन कैप्चा में क्लिक करके ये फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ ये वाला है एज इट इज, मैं इसको टिक कर लेता हूँ एंड देन वेरीफाई। तो हमारा वेरीफाई हो गया, रिमेंबर मी मैं टिक कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है, ओके। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ से हमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई प्रॉक्सी अभी है नहीं फिलहाल। अगर हम लोग प्रॉक्सी में क्लिक करेंगे तो देखिए यू आर एक्सपायर्ड दिखा रहा है। तो हम लोग बाई करने जाएंगे, हम लोग अभी $5 का प्रॉक्सी बाई करेंगे, ठीक है। ये वाला ये प्रॉक्सी बाई करेंगे 15 डेज के लिए, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट पेमेंट में जाएंगे और यहाँ से हमें कोई भी एक पेमेंट मेथड ले लेता हूँ, ठीक है। और पेमेंट मेथड लेने के बाद में मैं यहाँ पे पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जिनको लगता है कि यहाँ पे जो $5 है $5 में पेमेंट हो जाएगा, तो गाइस प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट मत कीजिए क्योंकि इतना में नहीं होता है। एक्स्ट्रा $1 एक्स्ट्रा खर्चा जाता है, प्लस बिटकॉइन जो हम लोग थर्ड पार्टी से बिटकॉइन खरीदते हैं, क्योंकि हम लोग के पास डायरेक्टली बिटकॉइन बाई करने का कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है। हम लोग थर्ड पार्टी से खरीदते हैं तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लेता है, ठीक है। सो पहले मैं इसको पेमेंट कर लेता हूँ, बातें तो होते रहेंगे, ओके। सो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ एंड देन इसको पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कुछ हमें 0.06 एंड फिर एंड उसके बाद होगा 2, राइट। तो उसके लिए हम लोग देंगे 3, तो हो गया एंड देन फिर इसको देंगे 6.5, ओके। सो मैंने ये ले लिया एंड इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ, देख देता हूँ 0.06265, ओके। सो गाइस मैंने पेमेंट कर दिया हूँ, अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लेता है, मिनिमम 5 से 10 मिनट लेता है। सो गाइस लगभग मैं 10 से 15 मिनट वेट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया, ऑर्डर फाउंड, प्लीज चेक ऑर्डर हिस्ट्री। तो मैं ओके करता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से प्रॉक्सी हमें अभी मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं ये प्रॉक्सी ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि ये प्रॉक्सी अभी मिल जाएगा, पहले जो एक्सपायर था अभी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए गाइस। सो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया किस तरह से बाई प्रॉक्सी बाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को प्रॉक्सी बाई करने में आपका पेमेंट में कुछ इश्यू आ रहा है या फिर आपको पेमेंट करने का कोई जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर लीजिएगा और क्या प्राइस है कैसा है सब कुछ आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं लूँगा, जो प्राइस है एज इट इज़ उतना ही लूँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं।
सो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को सीपीएम के बारे में थोड़ा भी अगर नॉलेज है, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब सीपीएम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग को किस एड में या कैसे सीपीएम वर्क करना है। मैं एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प तो कर सकता हूँ डेफिनेटली। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।